हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली को लेकर खासा चर्चा में आ गए हैं, खास तौर से इसके स्टार कास्ट की वजह से। फिल्म में कभी कोई बाहर हो रहा है तो कभी किसी की एंट्री हो रही है। फिल्म में इस वक्त पूजा हेगड़े, वेंकटेश और राघव जुयाल का नाम फिक्स है। उसके अलावा बाकी स्टार कास्ट ऊपर नीचे हो रही है बार बार। लेटेस्ट अपडेट की माने तो सलमान खान अब साउथ इंडस्ट्री से एक्टर्स लेना पसंद कर रहे हैं। फिल्म में पूजा हेगड़े और वेंकटेश पहले से ही साउथ में से हैं, और अब भाईजान ने एक और साउथ एक्टर को अपनी फिल्म में एंट्री दी है। इस एक्टर का नाम है जगपति बाबू। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सोर्स ने बताया कि सलमान खान एक पैन इंडिया फिल्म बना रहे हैं और कास्टिंग के मोर्चे पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वो अपनी टीम के साथ बैठे और अपनी पसंद के एक्टर्स को चुन रहे हैं। फिल्म में सबसे पहले पूजा हेगड़े थी, इसके बाद उनके करीबी दोस्त वेंकटेश थे, और अब सलमान को तेलुगु इंडस्ट्री से एक और एक्टर मिल गया है, और ये और कोई नहीं बल्कि जगपति बाबू है, जो जाने जाते हैं विलन्स के रोल के लिए, जो जाने जाते हैं अपनी एक्टिंग के लिए। सलमान खान ने जगपति को पहले भी दबंग 3 ऑफर की थी, लेकिन डेट्स के कारण वो फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। लेकिन अब जब सलमान ने उन्हें इस रोल की पेशकश की तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। टीम सलमान और वेंकटेश से लड़ने के लिए फिल्म में एक आइडल विलन चाहती थी, और ऐसा करने के लिए जगपति बाबू से और कोई बेहतर नहीं। कभी ईद कभी दिवाली में कहा जा रहा है कि जस्सी गिल और सिद्धार्थ निगम की एंट्री हो सकती है, साथ ही साथ मिजान जाफरी और अभिमन्यु का भी नाम सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि कौन फाइनल होता है। हालांकि दोनों ही फिल्म में सलमान खान के भाई का रोल प्ले करेंगे। राघव भी सलमान खान के भाई बने हैं। इससे पहले जहीर इकबाल और आयुष शर्मा का फिल्म में लीड रोल था। हालांकि फाइनली अभी किसी बात पर मुहर नहीं लगाई गई है। देखा जाए दोस्तों तो इस फिल्म का डायरेक्शन फरहाद सामजी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया था कि फरहाद सामजी सेट पर नहीं आ रहे हैं। फरहाद के सेट पर न जाने की वजह सलमान के साथ क्रिएटिव डिफरेंस बताई गई थी। ऐसे में अब खुद फरहाद सामजी ने इन सभी बातों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट से बातचीत करते हुए फरहाद सामजी ने बताया कि फिल्म को लेकर हर कोई अपना अपना वर्जन लिख रहा है, लेकिन हमने कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं की है। मीडिया या तो मेरे दिमाग को पढ़ रही है या फिर खुद की भविष्यवाणी कर रही है, इसीलिए मुझे लगता है कि चुप रहना ही सही है। मेरा मानना है तूफान के पहले खामोशी होती है, और ये खामोशी का पल है। डायरेक्टर ने आगे कहा, हम फिल्म के बारे में बात करेंगे और इसे सही समय पर रिलीज करेंगे। हम सभी हर दिन बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं ही अपनी टीम की तारीफ करूं। जब हम फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करेंगे तो ये फैसला हमें उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए कि उन्हें कैसी लगी। वेल दोस्तों, इन सभी मनमुटावों के बीच, इन सभी क्रिएटिव मतभेद के बीच, अब देखते हैं कि फिल्म कब तक बनकर तैयार होती है फाइनली, और कौन कौन से आगे एक्टर्स फिल्म को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होगी कि इतने मनमुटाव के बाद एक फिल्म का तैयार होना और पब्लिकली रिलीज होना। इंतजार रहेगा फिल्म का, और देखना होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसी होती है। वेल, आपको क्या कहना है इन सभी के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।